ये लो आ गया, थोड़ा सा डरा हुआ है कि जैसे लग रहा है मैं इसको मारूंगा। देख लो सामने ही डॉग है, उन्हीं के पास जाएगा। देखो वो रहे डॉग, खाना दे के मैंने रखा हुआ, अभी तक खाया नहीं उसने। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फियरकैन ब्लॉग। अभी शाम हो गई है, शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं शाम को ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अब सीधे रोलेक्स को लेके चलता हूँ घुमाने के लिए। देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है। और कल नहीं परसों लेके गया था मैं, कल के बाद ही घूमने नहीं गया है तो आज लेके चलता हूँ बाहर घुमाने इसको। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अपना खाना भी फिनिश किया हुआ है, तो जब ये पूरा खाना फिनिश कर देता है तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, वरना छोड़ देता है तो बुरा लगता है। और जॉय को दिखाता हूँ, जॉय देखो इधर आराम से सो रहा है, ये रहा देखो आराम से यहाँ पे सो रहा है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ये तो जगह ही था, इसको सोने देते हैं, तब तक रोलेक्स को बाहर घुमा के लेके आते हैं। A few moments later. तभी लेके आ गया हूँ गाइज मैं रोलेक्स को घुमाने के लिए, और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कुछ काम है तभी जाना पड़ेगा। बस 4-5 मिनट तक घुमाऊंगा, 10 मिनट तक, जल्दी से फ्रेश फ्रेश हो जाए जल्दी से इसको लेके चलूंगा अभी। और इधर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग भी हैं आज इधर सामने गाइज, तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ पंगा ना हो जाए। वैसे पंगा होगा नहीं, मैं पूरा तैयार हूँ ईटों लेके कि कोई पंगा ना हो। अब बकरियां आगे चली गई हैं, नहीं तो बकरियों पे भी बहुत ज्यादा हैवी अटैक मारता है ये। तभी गाइस इधर आवाज हो रही है, लोग माइक बजा रहे हैं, और लेके चलता हूँ रोलेक्स को, थोड़ी देर घुमा ही दिया हूँ, वैसे भी आवाज नहीं आ रही है, ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ी देर ये घूम ही लिया, अब लेके चलता हूँ इसको और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। अभी तो फिलहाल घूम लिया थोड़ा बहुत। देख लो सामने ही डॉग है, उन्हीं के पास जाएगा। देखो वो रहे डॉग वहाँ पे सोए हुए हैं, उन्हीं को देख रहा है। अभी जो जगा हुआ है, जस्ट हम आए तो जगा हुआ था, इसकी अभी निगाह बंदरों पे है गाइस। देखो ऊपर बंदरों को देख रहा है और जो अभी बंदरों को देख रहा है इधर से, इस साइड से। इसका वो जो घाव है वो गाइस ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं, कोई डॉक्टर वगैरह बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर दिखाए, जो इंजेक्शन बोला वो लगा दिया, फिर भी नहीं सूख रहा है। ये रहा बंदर, देखो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ये लोग साइलेंट, ये साइलेंट किलर है एकदम, ज़्यादा भौंकता उकता नहीं है। देखो देखो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, यहीं पर बंदर बैठा हुआ था, मैं इधर ब्लॉग बनाने में लगा हुआ हूँ और ये दोनों देख रहे थे बंदर को पहले से ही। चलो खास करके रोलेक्स रहता है तो मैं एकदम सेफ रहता हूँ, कोई बंदर वगैरह से डर नहीं है, चाहे वो कितना भी डेंजर बंदर आ जाए, कुछ भी आ जाए, पहले जाएगा उसके बाद मेरे ऊपर आ जाएगी, ऐसा तो है ये, इसमें कोई कमी नहीं है। देखो कैसे खड़ा हो रहा है दीवार पर, अब देख लिया बंदर को ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। अब थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा गाइस, निकलता हूँ मैं। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है गाइस, कल उस दिन तो मैं डॉग को घुमा के लाया तो शाम हो चुकी थी ऑलरेडी, फिर मैं चला गया काम के लिए, उसके अगले दिन पूजा था तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाया, और आज बना रहा हूँ। आज सुबह सुबह मतलब आ गया मैं रोलेक्स के पास, और कल रात में इसको एक इंजेक्शन लगाया था, वो जो स्किन की प्रॉब्लम है ना, एलर्जी है उसके लिए, तो जब मैं हमेशा इंजेक्शन लगाता हूँ तो इंजेक्शन पे इसको ज़्यादा दुखता नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कल मैं रात को लगा रहा था तो ये कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे जो एक घाव हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी इंजेक्शन लगाया मैंने, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से पेन होगा कि क्यों जो भी होगा, तो इसके यहाँ से अच्छे से इंजेक्शन नहीं लगवा। अभी मैंने इन दोनों को खाना दे दिया है, ये अपना खाना खा रहा है, जो अभी बाहर गए, बाहर से घूम के आएगा तो अपना खाना खाएगा। और इधर पूरी सफाई वगैरह भी कर दी है मैंने, एकदम क्लीन क्लीन, थोड़ा सा फिनाइल वगैरह लगा के एकदम अच्छे से वो कर दिया है, मतलब सफाई कर दी है अच्छे से, तो मक्खियाँ वगैरह भी नहीं लगती हैं डॉग को, और थोड़ा बोड़ा अगर कोई घाव भी हो तो उस पर कीड़े वगैरह नहीं होते हैं, तो एकदम क्लीन रहता है, सही लगता है। रोलेक्स का खाना साइड करता हूँ और इसकी थोड़ी सी ग्रिप लगवाता हूँ, तब जाके ये अपना पूरा खाना फिनिश करेगा, तो इधर थोड़ा सा गिरा भी दिया है। अभी जब तक सावन है गाइस, इन लोगों को बस सिंपल सा ही खाना मिल रहा है, दही चावल रोटी, बस यही चल रहा है। सावन बीतने के बाद फिर से नॉन वेज पे आ जाएगा रोलेक्स, तो फिर से इसकी बॉडी पहले की तरह हो जाएगी, अभी तो बस जैसे तैसे चल रहा है। तो ये रहा इसका टायर, अरे रहा ये देखो, पहली बार में पकड़ लिया इसने, तो थोड़ी देर ग्रिप लगाने देता हूँ, हल्की सी एक्सरसाइज हो जाएगी और हल्का सा इसका करंट भी कम हो जाएगा, नहीं तो एग्रेशन में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आजकल, तो इसको टांग देता हूँ कहीं, मतलब हाथ से पकड़े पकड़े मेरे को भी चोट लग जाएगी। देखो इधर तेज तेज झटके मार रहे, अभी जब शुरू किया इसने, धीरे धीरे और तेज़ झटके लगाना शुरू करेगा और फिर वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है मेरे। एक बार तो हाथ यहाँ पर लड़ गया था मेरा, चोट लग गई थी तगड़ी वाली, देखो अब घींच रहा है, तगड़े वाले झटके में लगाना शुरू कर दिया। और तो इसको टांग देता हूँ यहाँ पे और चलता हूँ जॉय को लेके आता हूँ, वो कभी से बाहर गया, उसका खाना दे के मैंने रखा हुआ, अभी तक खाया नहीं उसने। फाइनली ऊपर टांग दिया गाइज मैंने, मेरा हाथ भी हट नहीं होगा और आराम से ग्रिप भी लगा लेगा,
और चलता हूँ तब तक जॉय को देखता हूँ वो कहाँ गया है, अभी से बाहर गया, अभी तक आया नहीं लौट के, कहीं स्ट्रीट डॉग से पंगा ना कर। जॉय वो रहा सामने वहाँ पे खड़ा है, अभी देखता हूँ मेरे को देख के आ रहा है कि वहीं पे मेरे को देख रहा है खड़ा हो। ये लो आ गया, थोड़ा सा डरा हुआ है कि जैसे लग रहा है मैं इसको मारूंगा। इसका खाना पहले ही निकाला हुआ है मैंने, जाके खाएगा अब खाना। ये ऊपर कौवे है गाइस, मेरे ऊपर बीट कर दिया इन्होंने, ये देखो टी शर्ट खराब कर दी सालों ने। जॉय को खाना दिखाता हूँ, दिख गया होगा इसको ऑलरेडी, अब खाएगा ये। ये देखो टायर के कैसे चिट्ठेड़े उड़ा रहा है रोलेक्स, दो चिट्ठेड़े ऑलरेडी निकाल चुका है, बस उसका अंदर का जो लोहे का तार होता है वो बचा हुआ है, बाकी काम गिर गया है उसका, अभी पकड़ नहीं पा रहा। देखो पकड़ाता हूँ, फिर एक बार पकड़ेगा तो फिर कुछ सर कुछ निकालेगा। ये देखो फाइनली बच गया, देखो कितने तगड़े झटके मारता है। पकड़ लिया तो फाइनली छूट गया, छूट गया, छूट गया। ले 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 ले, ओहो बार बार छूट जा रही है। ले 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 ले, हाँ फाइनली पकड़ लिया इसने। तो अभी इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग करता हूँ गाइस, और जो को खाना दे दिया, अभी इसको भूख नहीं लगी है, थोड़ी देर में खा लेगा। रोलेक्स ने अपना खाना खा ही लिया है, अब वो भी आराम करेगा खा के। देखो अभी एक्साइटेड हो रहा है, थोड़ा सा ही ना ग्रिप लगवाया मैंने, उसके बाद हटा दिया, बस 5 मिनट ही लगाने दिए, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है। जॉय को नींद आ रही है बेचारे को, अभी नींद पूरी करेगा तब ये खाना खाएंगे भाई साहब। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ।